हंसाराम जी पिछले 10 सालों से अपनी मेहनत से लोगों को स्वादिष्ट जलेबी खिला रहे हैं। आज इनकी खबर करने के लिए हम पहुंचे थे, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि सच्ची लगन और कड़ी मेहनत होना तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और मनसाराम जी अपाहिज हैं बचपन से ही जो है, फिर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मेहनत कर जो है सबको स्वादिष्ट जलेबी खिलाते हैं। और किस तरीके से आप देख सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं अपनी रेडी पर और अभी जो है स्वादिष्ट जलेबी ये बनाएंगे। कैसे कैसे करके ये जलेबी बनाते हैं वो भी हम बात करेंगे, उस पर भी। पहले मैं पैर दिखा दूं आपको इनका, और पैर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पैर के ऊपर फिलहाल ये खड़े हुए हैं, एक पैर के ऊपर फिलहाल ये खड़े हुए हैं। जलेबी ये देखिए कितनी सही जलेबी ये बनाते हुए आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। शेप की अगर बात की जाए जलेबी की, आप देख सकते हैं परफेक्ट शेप की जलेबी जो है वो आपको मनसाराम जी बनाते हुए नजर आ रहे होंगे। आप सभी लोगों से अपील रहेगी, इस वीडियो को देखने वाले इसे जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें, ताकि इन्हें प्रोत्साहन मिले। ऐसी अच्छी चीजों को जो है ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया कीजिए। हर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में इस खबर को शेयर करें, ताकि जो लोग हार कर घर बैठ गए हैं उनको इनसे हिम्मत जरूर मिल सके, एक मोटिवेशन जरूर मिल सके। एक बार बातचीत कर लेते हैं, इस साइड आ जाए एक बार निकल के, एक बार बातचीत कर लेते हैं किस तरीके से मनसाराम जी जो है कहाँ से कब से जो है इन्होंने ये जलेबी, वहाँ सामने आ जाना, कब से जो है इन्होंने ये जलेबी बनाना सीखा, कितने समय से ये काम कर रहे हैं, कहाँ के ये रहने वाले हैं, सारी बात जो है इनसे करेंगे। मनसाराम जी कहाँ के रहने वाले हो आप? गांव धर्मगढ़ से जी। धर्मगढ़ से कहाँ पड़ता है ये? गाँव धर्मगढ़ मतलब की साइड पड़ता है जी। अच्छा, हाँ जी, मतलोडा की साइड पड़ता है, मतलोडा से 10 किलोमीटर पीछे है जी, इधर करनाल से जाते समय यहाँ से 20-25 किलोमीटर पड़ा यहाँ से जी, वहाँ से यहाँ पे आकर दुकानदारी करी है। अच्छा, हाँ। तो ये आप के पैर, जैसे एक पैर नहीं है आपकी, एक टांग नहीं है, ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्या बचपन से? है जी, बचपन से जी। अच्छा, जन्म से ऐसे पैदाशी ऐसी है जी, पैदाशी ऐसी है जी। बचपन से ऐसे ही थे मतलब, तो माँ बाप क्या करते हैं आपके, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया कभी? तो एक्सपायर हो गए जी दोनों जी। अच्छा, हाँ जी, तीन भाई हैं एक बहन है जी। बस बहन की भी शादी कर दी, भाइयों की शादी कर दी जी, बस अपना अपना कमा रहे यार, खा रहे जी। अब आपकी शादी नहीं हुई? नहीं जी। क्या उम्र है आपकी? बस 40-45 वर्ष की उम्र है जी। अच्छा, तो आपने सोचा नहीं, कभी मन में नहीं आया कि भाई ऐसे पैर मेरा काम नहीं करता? कभी सोचा तो था जी, जब उम्र के हिसाब से मतलब हो जी, अब बच्चे के भाई के बच्चे बराबर बराबर के हो गए, अब इसमें अच्छा तो अभी जैसे आप सड़क क्रॉस करके आ रहे थे, दिक्कत परेशानी नहीं आती? हाँ, कमर में कमर से आती है जी थोड़ी परेशानी जी, हाँ दिक्कत आती है जी, बस ये बात है जी, और कोई तो आप देख सकते हैं फिलहाल जलेबी बना रहे हैं मनसाराम जी। और कितने सालों से कर रहे हो ये? 10 साल हो गए जी। 10 साल? हाँ जी। उससे पहले क्या करते थे? सिलाई का काम जी। तो भाई वगैरह नहीं, कभी किसी ने ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश नहीं की? नहीं जी। अच्छा, नहीं। यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ वो कमरा लाल लाल कमरा दिख रहा है जी, ऊपरली साइड सड़क पे जाती है ना, वो पहला कमरा मेरा ही आएगा जी। अच्छा, हाँ। तो क्या किराए पे लिया हुआ है? किराए पे जी 1000 रुपया महीना है जी। 1000 रुपए महीने में तो खर्चा वगैरह निकल जाता है? बस ऐसे ही काम चलाओ सरकार है जी, फिलहाल तो जी काम कुम तो मंदा ही है जी, फिर भी ना पेट गुजारा काम चल ही रहा जी। जलेबी खाने आते हैं लोग? हाँ आते हैं जी, आते जाते खाते हैं लोग? हाँ जी, खाते हैं जी। तो आप देख सकते हैं फिलहाल जलेबी बनाते हुए आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। आप सभी लोगों से अपील रहेगी, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर दें, ताकि मनसाराम जी की ये वीडियो देखकर और लोग जो कि विकलांग है या किसी एक्सीडेंट में जो है अपना कोई हाथ पांव खो चुके हैं, उन लोगों को एक मोटिवेशन जरूर से जरूर मिले। कुछ और लोग हैं आसपास, उनसे भी जो है इनके बारे में बातचीत जरूर करेंगे। एक सरदार जी खड़े हैं, उनसे भी पूछेंगे इनके बारे में क्या कहेंगे। अंकल ये विकलांग हैं लेकिन फिर भी अपना मतलब जलेबी बेच के सारा गुजारा कर रहे हैं, क्या कुछ एक मैसेज लोगों को देना चाहोगे? कई बार एक्सीडेंट में भी किसी के अगर हाथ पैर टूट जाता है तो घर हार के बैठ जाते हैं, क्या कहना चाहोगे? मेहनत कर रहा है अपना, आप खुद कमा के खा रहा है, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात। एक बार टेस्ट करके बताओगे इनकी जलेबी? जलेबी बहुत बढ़िया है, आप भी करो टेस्ट। हम भी करेंगे, आ जाओ एक बार, आप भी करो। सरदार जी टेस्ट कर बताएंगे, मनसाराम जी सरदार जी को खिलाओ, ये टेस्ट करके बताएंगे कैसी है जलेबी आपकी। तो आप देख सकते हैं फिलहाल किसी से मांगता नहीं है बेचारा, और क्या चाहिए जी। तो आप
नहीं नहीं इतनी क्या करनी। आप देख सकते हो फिलहाल सरकार जी जो है टेस्ट कर कर बताएंगे जलेबी का। ठीक बनी है? बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आने जाने वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें? बिल्कुल करनी चाहिए जी। तो आप देख सकते हैं आने जाने वाले लोगों को एक यही मैसेज देंगे हम भी कि इन ऐसे लोगों को जो है सपोर्ट जरूर से जरूर किया जाए। एक बार मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी। मनसाराम जी एक बार इस साइड आ जाए आप। और आप सभी लोगों से अपील रहेगी पुलिस लाइन के पास जो है मनसाराम जी एक किराए का कमरा लेकर, 1000 रुपए का किराए का कमरा लेकर जो है रहते हैं, तो आप लोग भी कभी भी यहाँ से गुजरे तो इनका मतलब इनसे जलेबी ज़रूर से ज़रूर खा कर जाएँ ताकि इनकी कुछ हेल्प हो सके और साथ ही साथ इन्हें एक मोटिवेशन भी ज़रूर मिले। एक्सीडेंट्स की अगर मैं बात करूँ लगातार आजकल होते हैं और बहुत लोग एक्सीडेंट्स में कोई अपना पैर गंवा देता है, हाथ गंवा देता है, अपाहिज हो जाते हैं, लेकिन मनसाराम जी बचपन से ही जन्म से ही जो है अपाहिज है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने हौसले नहीं हारे, हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत से यहाँ पर जो है काम करते हैं, लोगों को जलेबी बनाकर स्वादिष्ट जलेबी बनाकर खिलाते हैं। ये देखिए किस तरीके से उस साइड से फिलहाल चलकर आएंगे मनसाराम जी। ये देखिए इनसे फिलहाल चला नहीं जाता है, एक ही पैर पर कमर पर सारा बोझ पड़ता है। सरकार ने कोई मदद नहीं की? नहीं सर जी, नहीं, ना बाप ने ना माँ ने ना भाई, उन्हें किसी का सहारा नहीं है जी। नहीं, सबने छोड़ दिया? सब ने छोड़ रखा जी, ये बात है जी। अपने मेहनत कर रहा हूँ तो खा रहा हूँ जी, नहीं कोई किसी का नहीं है जी। जनता से क्या अपील करना चाहोगे कि आते जाते आपसे जलेबी खाएं? मैं तो चाहता हूँ जी वो मिलजुल के आए जी, मेरे को भी सहारा मिले, उनको भी मौका मिले खाने का जी, ये बात है जी। तो आप देख सकते हैं 45 साल उम्र हो चुकी है, घर वालों ने छोड़ दिया, भाई बहन ने छोड़ दिया, माँ बाप की डेथ हो चुकी है और मनसाराम जी जो है खुद से जलेबी बनाकर जो है अपना गुजारा करते हैं। इन्होंने अभी अभी भी जो है जलेबियाँ बनाई हैं। जब भी आप यहाँ पर आएँ पुलिस लाइन के पास ही जो गेट आप देख सकते हैं इसके पास जब भी आएँ करनाल से कैथल जाते हुए जो रास्ता आता है तो इनकी जलेबी ज़रूर से ज़रूर खा कर जाएँ क्योंकि काफ़ी मेहनत करते हैं और अपना गुजारा जो है अकेले इसी तरीके से करते हैं ताकि दो वक्त की रोटी ज़रूर खा पाएँ। तो खाना वाना भी खुद ही बनाते हो? हाँ जी, खाना भी खुद ही बनाता हूँ जी, अपना खाना जो भी है अपना पेट गुजारा करना है जी। कैसे दिमाग में कैसे आया कि जलेबी का काम कर लेना चाहिए? हाँ जी, दिमाग में कैसे आया? दिमाग में ये आज ही मेरे घर के पड़ोसी बोले करते थे जी मनसाराम हलवाई, मनसाराम हलवाई ऐसे करते थे जी। उस टाइम मेरी सिलाई की दुकान थी जी, सिलाई की दुकान पे करने के बाद बावजूद फिर मैं ये सिलाई कारीगर नीचे लगे हुए थे जी सिलाई के काम पे, उनके रहते रहते माँ बाप के रहते रहते ये काम सीखा जी मैंने जलेबी का जी। फिर मैंने अपना ये काम करके फिर वो काम छोड़ दिया, ये अपना ये काम करने लगा, उसमें नज़र का थोड़ा सा हो गया जी, नज़र कम पे सी पड़न लगी। तो आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर आएँ जिसको भी जलेबी खानी हो। पुलिस लाइन के पास जो है मनसाराम जी रोज़ रेडी लगाते हैं, यहाँ आकर इनको सहयोग ज़रूर करें, सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर करें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे अन्नी रमाटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।